हेलो दोस्तों, अपने गार्डन चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आज की वीडियो मेरी गिलोय की बेल की कटिंग लगाने पे है। इसका रिजल्ट मैं इसी वीडियो में डालने वाला हूँ, इसलिए इसका रिजल्ट देखने के लिए वीडियो पूरी देखें। कुछ दोस्त बोलते हैं गिलोय की बेल को लगाना मुश्किल हो जाता है, ये ख़राब हो जाती है, गल जाती है। ऐसा नहीं है, ये काफ़ी हार्ड होती है। गिलोय की बेल कहीं पे भी लग जाती है वैसे, इसलिए मैं आज दिखाने वाला हूँ इसका। ये जो पत्ता गिरने के बाद मैं ये कटिंग दिखा रहा हूँ, इसका नोड एरिया ऊपर की तरफ आप लगाना आपको। मैं जैसे दिखा रहा हूँ इसको, मेरे पास लगभग 5 कटिंग है, मैं पाँचों कटिंग दिखाऊँगा आपको। ये जो मिट्टी देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर मैंने लगभग 50% कंपोस्ट का प्रयोग किया है। यहाँ पर मैंने गुलाब की कटिंग लगाई थी, ये मैंने यहाँ पर टमाटर लगा रखे हैं, ये 5 कटिंग है मेरे पास टोटल। ये कटिंग थोड़ी इसको लेके आया था तब ये ख़राब हो गई थी, कुचलने के कारण ये थोड़ी ख़राब हुई, इसलिए मैं इसको पूरी को लगाने वाला हूँ, मिट्टी में दबाने वाला हूँ ताकि ये लग जाए, या फिर नहीं लगेगी तो मैं पूरी इसका रिजल्ट इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही लगा देता हूँ। ये साथ में मैंने गुलदावरी का एक पौधा लगा रखा है, इसका काफ़ी बड़ा झुंड होने वाला है कुछ दिन बाद। ये देखिए, मैं ये कटिंग दूसरी दिखा रहा हूँ, इसमें दो नोड एरिया हैं, इसमें भी दो नोड एरिया हैं। वैसे गिलोय की बेल के बारे में मैं बता देता हूँ, ये काफ़ी आपकी इम्यूनिटी को अच्छे से बढ़ाती है, बीमार होने से बचाती है। रोज़ गिलोय का काढ़ा पीने वाले लोग कम ही बीमार होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये मैं एक कटिंग को लगा देता हूँ यहीं पे, मैं इसका रिजल्ट भी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो पूरी देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका जो मैं नोड एरिया दिखा रहा हूँ आपको, ये पहले दिखाया था पत्ता नीचे को, पत्ता झड़ने के बाद नीचे को पत्ता होता है, इसका ऊपर की तरफ नोड एरिया होता है। इसको नोड एरिया को ऊपर को रख के ही कटिंग को लगाएं। ये मैं इस कटिंग को भी लगाने वाली, यहाँ पे मैंने टमाटर लगा रखे हैं, टमाटरों के साथ में ही लगाने वाला हूँ मैं इसको, गिलोय की बेल को। ये 3 कटिंग मैंने लगा दी, चार कटिंग लगा दी, 3 नहीं, चौथी तो मैंने लगा ही दी थी। ये चौथी 5वीं कटिंग का मैं आपको नोड एरिया दिखा देती हूँ, इसमें 2 नोड एरिया हैं। मैंने 4 कटिंग पहले लगा दी इस कटिंग का। ये ऊपर वाला नोड एरिया वैसे कुछ अच्छी हालत नहीं है, ये ख़राब हुआ होता है, इसको दिखा भी दूंगा मैं आपको। इसमें कुछ फंगस सी लगी हुई है, बाकी मैं इसको भी लगाने वाला हूँ। वाटरिंग गिलोय की बेल की वाटरिंग इतनी ज़्यादा ना करें कि वो गल जाएँ। उसमें मैं इसमें 2 महीने में 2 बार ही पानी डालने वाला हूँ, लगभग 1 महीने में ये पूरी पूरी हो जाएगी। 4 हफ्तों में, 3 हफ्तों में ये अपनी ग्रोथ चालू कर देगी, 4 हफ्तों में अच्छे से दिखा देगी। 1 महीने बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए 1 महीने बाद का ये रिजल्ट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ये चौथी कटिंग में भी अच्छी छोटी ही छोटी नोड वो ग्रीन हो चुकी है, ये इसमें पत्ते भी आ चुके हैं। ये मैं कटिंग को उखाड़ के दिखा देता हूँ, इस वाली कटिंग में अच्छी अच्छी जड़ें आई हुई हैं। अब दूसरी कटिंग को उखाड़ के दिखाता हूँ मैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। अपना गार्डन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।